हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है जसराज और आप देख रहे हैं जसोल कंप्यूटर चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे डीजीपीए के अंदर मोर्फो बायोमेट्रिक डिवाइस की प्रॉब्लम आती है, मोर्फो बायोमेट्रिक डिवाइस नॉट फाउंड का एरर आता है, या आपको डीजीपीए के अंदर किसी भी प्रकार की मोर्फो के रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा कंटिन्यू ज़रूर देखें। तो फ्रेंड्स, अभी क्या हुआ है, मोर्फो का न्यू वर्जन आ गया है। जिन्होंने मोर्फो का वर्जन चेंज कर लिया है, अपडेट कर लिया है, उनको तो किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, और जिन्होंने मोर्फो का वर्जन अपडेट नहीं किया है उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो मोर्फो का वर्जन है वो कैसे अपडेट करना है, तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। और मैं आपको मोर्फो का वर्जन न्यू डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना और पुराने वाले ड्राइवर को अनइंस्टॉल करना और मोर्फो की सेटिंग करना बताऊँगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो इस वीडियो को आप लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो वीडियो को करते हैं कंटिन्यू। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको अपने सिस्टम के अंदर जो भी पुराने वाले ड्राइवर है उसको रिमूव करना है। रिमूव कैसे करना है, आपको अपने सिस्टम के अंदर सबसे पहले कंट्रोल पैनल को ढूँढ लेना है, ओपन कर लेना है। उसके बाद में अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम पर आपको जाना है। उसके बाद में आपके पास में जो भी मोर्फो के पुराने वर्जन हैं उनको अनइंस्टॉल करना है। जैसे मोर्फो आरडी सर्विस ड्राइवर लिखा हुआ है, ये मेरा न्यू ड्राइवर इंस्टॉल किया हुआ है, इसी को ही मैं आपको अनइंस्टॉल करके दिखा देता हूं। तो आपको सबसे पहले यहां पर क्लिक करना है, अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है, और पॉपअप आता है तो उसको यस कर दीजिए और वापस यस कर दीजिए। तो पुराना वाला ड्राइवर है वो रिमूव होगा और ये मोर्फो स्मार्ट सीबीएम लिखा हुआ आएगा, इसको भी आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, अनइंस्टॉल पे क्लिक करना है और यस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यस पे क्लिक करोगे पॉपअप आएगा, पॉपअप यस करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से पॉपअप आ जाएगा और उसको ओके करता है। ओके करते ही आपका जो मोर्फो का ड्राइवर है वो रिमूव हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे बताए हुए स्टेप्स फॉलो नहीं करते हैं, कोई भी स्टेप्स चूक जाता है तो आपके सिस्टम के अंदर मोर्फो काम नहीं करेगी। फिर आप मेरे को बोलोगे कि सर, हमने पूरा आपने जो प्रोसेस बताया वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया है, लेकिन मोर्फो डिवाइस है वो काम नहीं कर रही है। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और मैं जो स्टेप बताता हूँ इस स्टेप को फॉलो ज़रूर करें। यही काम मैं अगर एनी डेस्क पर करता हूँ तो इस काम का मैं 350 रुपये चार्ज लेता हूँ। अगर आप हमसे भी एनी डेस्क पर कोई मदद लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, 350 रुपये आपको चार्ज लगेगा। और इसी प्रकार से आप स्टेप फॉलो करके आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोर्फो का ड्राइवर है अनइंस्टॉल करना बता दिया है। अब आपको मोर्फो का ड्राइवर वापस डाउनलोड कौन सा करना है और मोर्फो की सेटिंग कैसे करनी है, तो यहाँ से rdservicesonline.com, ये मोर्फो की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आपको ओपन करना है। इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पर डाउनलोड पे माउस लाना है और यहाँ पर बहुत सारे ड्राइवर आपको दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको ये वाला ड्राइवर है जो सबसे नीचे वाला ड्राइवर है इसको आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से आपके सामने मोर्फो का न्यू ड्राइवर है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद में आपको इसी ड्राइवर को ओपन करना है, यहाँ पर क्लिक कर देना है, शो इन फोल्डर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप शो इन फोल्डर पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से ये आपका डाउनलोड फोल्डर है ये ओपन हो जाएगा। इसके बाद में यहाँ जो आपकी फाइल डाउनलोड हुई है इसके ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करोगे तो यहाँ से ये फोल्डर एक्सट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पर अपन एक्सट्रैक्ट पे नीचे क्लिक करते हैं और ये एक न्यू फोल्डर बन के आ जाएगा। अब यहाँ पर इस फोल्डर को ओपन करना है और वापस से इसी फोल्डर को ओपन करना है। इस फोल्डर को ओपन करने के बाद में आपको एक काम और करना है, जो हमने मोर्फो ड्राइवर को अनइंस्टॉल किया है, अनइंस्टॉल के बाद करने के बाद में हमारे को माई कंप्यूटर के अंदर फोल्डर बने हुए होते हैं दो, उसको भी रिमूव करना होता है। तो यहाँ पर माई कंप्यूटर को ओपन करना है, सी ड्राइव को ओपन करना है और यहाँ पर आपको मोर्फो लॉग का एक फोल्डर दिखेगा, इसको भी रिमूव करना है। एक मोर्फो आरडी सर्विस सॉफ्ट का फोल्डर दिखेगा, उसको भी आपको हटा देना है। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, वापस मोर्फो को इंस्टॉल करना है। तो मैंने अभी ये मोर्फो का न्यू ड्राइवर डाउनलोड किया है, ये ओपन कर लिया। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद में यहाँ पर इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और रन एस एडमिनिस्टर पर आपको क्लिक करना है। इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है और पॉपअप को यस करना है। आप ये चीज़ करोगे तो ही आपके सिस्टम के अंदर मोर्फो आरडी सर्विस से रन होगी और कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद में भी आपको और सेटिंग करना है, वीडियो
पूरा ज़रूर देखें। अगर स्टेप एक भी फॉलो नहीं किया तो आपके डीजीपीए के अंदर मोरफो काम नहीं करेगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते समय आप अपने सिस्टम के अंदर मोरफो लगाने की ज़रूरत नहीं है, मोरफो को आप अपने सिस्टम से हटा दें, सबसे लास्ट में ही आप मोरफो को लगाएं। तो यहाँ पर मेरा मोरफो ड्राइवर है कंप्लीट इंस्टॉल हो गया है। अब हम यहाँ से फिनिश करते हैं और इसको क्लोज़ कर देते हैं, इसको भी क्लोज़ करते हैं, यानी सभी फोल्डर को अपन यहाँ से क्लोज़ कर लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, माई कंप्यूटर को ओपन करते हैं और यहाँ पर सी ड्राइव को ओपन करते हैं और इसको बड़ा कर लेते हैं। इसके बाद में यहाँ पर मोरफो आर डी सर्विस सॉफ्ट, ये फोल्डर आपको कहीं भी सी ड्राइव के अंदर दिखाई देता है तो इसको आपको ओपन करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो कॉन्फिग सेटिंग एक नोटपैड की फाइल है इसको भी आपको ओपन करना है। उसके बाद में यहाँ पर आपके कम्युनिकेशन मोड 0 लिखा है तो इसको यहाँ पर हटाना है और यहाँ पर 1 करना है और यहाँ फाइल में जाना है और यहाँ पर सेव कर देना है, क्लोज़ कर देना है, क्लोज़ कर देना है। इसके बाद में आपको एक काम करना है, जो अपने सिस्टम के अंदर मोरफो आपने नहीं लगाई है तो मोरफो को सिस्टम के अंदर कनेक्ट कर देनी है। तो हम यहाँ पर मोरफो को सिस्टम के अंदर कनेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोरफो को कनेक्ट कर दिया है और मोरफो के अंदर लाइट आ गई है, वापस चली गई है। अब ये मोरफो आरडी कनेक्ट होगी सर्वर से और इस प्रकार से डिवाइस हैज बिन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली आ जाएगा। उसके बाद में आपके सिस्टम के अंदर मोरफो कंप्लीट रन होने लगेगी। अब मैं यहाँ पर आपको डीजीपीए को ओपन करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर डीजीपीए ओपन कर लिया है, सबसे पहले प्रोसीड पे क्लिक करते हैं, ओटीपी आएगा, ओटीपी के बाद में हमारे को फिंगर लगाना होगा। तो हम यहाँ पर गेट ओटीपी कर देते हैं, जनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद में ओटीपी सेंड हो गया है और यहाँ पर वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं और यहाँ पर टिक करते हैं। अब ऑथेंटिकेट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऑथेंटिकेट पे अपन क्लिक करेंगे तो कोई भी एरर हमारे को नहीं आएगा। तो अपन यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। तो हमने जैसे ही यहाँ पर ऑथेंटिकेट पे क्लिक किया है तो बायोमेट्रिक डिवाइस के अंदर लाइट आ गई है, हम यहाँ पर बायोमेट्रिक लगा देते हैं। उसके बाद में हमारा बायोमेट्रिक है वो कैप्चर हो गया है, कैप्चर होने के बाद में हमारा यहाँ पर डीजीपीए सक्सेसफुली ओपन हो गया है। तो इस प्रकार से आप अपने सिस्टम के अंदर, चाहे विंडो आपके पास में 7 हो, 10 हो, 11 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यही सेम प्रोसेस होगी अपने सिस्टम के अंदर मोरफो के न्यू ड्राइवर डाउनलोड करने का। और जो मैंने आपको कंप्लीट सेटिंग बताई है इस सेटिंग को आप ज़रूर कीजिएगा, और इस पूरी सेटिंग करने के बाद में भी ये ओपन नहीं होता है तो एक बार अपना सिस्टम को रीस्टार्ट कीजिए, उसके बाद में आप वापस चेक कीजिए, आपका काम 100% हो जाएगा। फिर भी आपका काम नहीं होता है तो आप हमारे से एनीडेक्स की हेल्प ले सकते हैं, उसका आपको चार्ज है वो पे करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।